विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत में प्रस्तावित डोलोमाइट तथा चूना पत्थर खदान खुलने के लिए धुरकी प्रखंड के लोगों की निगाहें वर्षों से टिकी है कि कब खदान खुलेगा। दूसरे गांव के सैकड़ों लोग वहां खदान खुलने की आस में जमीन खरीद कर रखे हैं। विदित हो कि खुटिया में खदान खोलने की ग्रामीणों की मांग वर्षों पुरानी है। खुटिया में डोलोमाइट तथा चूना पत्थर की खोज 70 के दशक में बुलबुले नामक भूतवावेता ने 3 माह की कड़ी मेहनत से की थी। तब से खदान के खुलने की प्रतीक्षा में लोग हैं। विधानसभा लोकसभा में यह चुनावी मुद्दा रहा है, परंतु विधायक भानु प्रताप शाही के सार्थक प्रयास से वर्ष 2018-19 में पर्यवेक्षक विजय कुमार ओझा के सफल नेतृत्व में अबू हुसैन तथा रत्नेश कुमार सिन्हा अन्वेषण पदाधिकारी करीब 2 माह तक नए सिरे से चुना पत्थर तथा डोलोमाइट की खोज की। विदित हो कि खदान खोलने के लिए धुरकी के आसपास में आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यहाँ से प्रति वर्ष हजारों मजदूर पलायन कर अपने श्रम शक्ति से दूसरे प्रदेश का उत्थान कर रहे हैं। इसका उपयोग यहाँ आसानी से किया जा सकता है। खुटिया में डोलोमाइट तथा चूना पत्थर खदान खुल जाने से यहाँ के सैकड़ों लोगों को एक तरफ जहाँ जीविका का साधन मिल जाएगा, वहीं सैकड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पलायन पर विराम लग जाएगा, लोग आर्थिक रूप से संबल तथा मजबूत हो जाएंगे। विजय कुमार ओझा, उप निदेशक खान व भूतत्व विभाग रांची, उन्होंने बताया कि खुटिया में खदान खोलने के प्रस्तावित है पिछले वर्ष नीलामी प्रक्रिया में रखा गया था, परंतु सरकारी प्रक्रिया के तहत समुचित निविदाकार के सम्मिलित नहीं होने से निविदा को निष्पादित नहीं किया गया। पुनः निविदा की प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, जिसमें एक भी निविदाकार सम्मिलित होंगे तो इस बार निविदा निष्पादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। इस मौके पर खुटिया गांव निवासी एक राम खान, भैरव प्रसाद यादव, इसरातु अंसारी, सुरेश गौड़, उखमजी अंसारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।